Please come. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Please sit down. सिविल सर्विस में आप क्यों आना चाहते हैं सर? मुझे लगता है कि सिविल सर्विस में एक बहुत ही ब्रॉडर प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे समाज के लिए डायरेक्टली काम कर सकते हैं, और मुझे लगता है सर हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में जो कमी रह गई है वो भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन से लेकर जुड़ी, तो सिविल सेवा से जुड़कर मैं इस क्षेत्र में बेहतरी के लिए कार्य करना चाहता हूँ। यही है और कोई मोटिवेशन है? प्राइमरी मोटिवेशन यही है सर, और दूसरा मुझे लगता है सर इसमें कैरियर ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलता है सर। जब हम सर्विस में आए तो हमें तो एक तलाश थी करियर की ही पहले जी सर, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाती हैं क्योंकि वो सर्विस में आपको ज़रूरी है करना, पब्लिक सर्विस इसलिए करते हैं जी, लेकिन पहला तो मोटिवेशन करियर का ही है जी। अब आप उसमें थे, इसमें वेदांता सिरेमिक इंजीनियरिंग आपने की है जी सर, सिरेमिक इंजीनियरिंग में क्या आपने पढ़ा है? सर सिरामिक इंजीनियरिंग नॉन मेटेलिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से डील करता है, तो इसमें प्राइमरली जो रिफ्रैक्टरी आते हैं और ग्लासेस आते हैं, तो ये टाइल वगैरह जो बनते हैं सब सिरेमिक्स में ही आते हैं जी, और जो बर्तन भी बनते हैं मिट्टी विट्टी के वो भी सब जी बिल्कुल वो सारे। तो इसमें आप फिर आप असिस्टेंट मैनेजर वेदांता में चले गए जी, तो वेदांता में आपने क्या किया? वहाँ पे सर मैं एज ए रिफ्रैक्टरी मैनेजर के रूप में कार्य कर रहा था, असिस्टेंट मैनेजर। ये क्या सिरेमिक से डील करती थी? जी बिल्कुल। अच्छा, ये वेदांता है कहाँ? उड़ी सर झारसुगुड़ा में, वेदांता एल्युमिनियम उड़ीसा में जी सर। अच्छा, तो आपने ये सब क्यों छोड़ दिया फिर यहाँ आने, इधर आ रहे हैं जी? मैं जब वेदांता में काम कर रहा था तो उसमें मुझे लगा कि एक मुझे एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म चाहिए और जिसमें मैं डायरेक्टली जो डाइवर्स फील्ड में काम कर सकूं और जिसमें सोसाइटी के लिए डायरेक्टली काम कर सकूं। अच्छा, क्या हम सिरेमिक्स जो प्रोडक्ट है क्या हम विदेश में भेजते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जी हम अराउंड 10,000 करोड़ हम एक्सपोर्ट करते हैं। 10,000 जी। कौन सी कंट्रीज है जिसको हम कर रहे हैं? प्राइमरली सर यूरोपियन कंट्रीज हैं और USA में भी। किस किस्म के सिरेमिक हम बेचते हैं सर? सबसे पहले रिफ्रैक्टरीज में हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हम टाइल्स भी बेचते हैं सर। अच्छा जी, ठीक है। ये समझते हैं आप कि जैसे हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जेम्स हैं जी सर, ये हमारी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट आइटम बन सकता है हमारा? अगर जेम्स ज्वेलरी और दूसरे से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले तो मैं मानूंगा सर इसमें थोड़ा कम स्कोप है, लेकिन जो भी है इसमें प्राइमरली जो है MSME से जुड़े हुए हैं जो भी वाइट वर्क, तो ये हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। क्वाइट राइट, जी सही बात की है सर। मिस्टर कुमार, आपने पॉलिटिकल साइंस और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट से इंटरनेशनल रिलेशंस, जी सर, तो ये जो US में डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट हो रहा था उसकी क्या वजह क्या थी, क्यों कर रहे थे, क्या उन्होंने गड़बड़ की थी या एलिगेशन था? सर इसमें पूरी जानकारी तो नहीं है, मुझे लगता है सर कि उसमें कुछ यूक्रेन के साथ उन्होंने कुछ डील किया था जो कि सीक्रेटिव डील था, तो उसको लेकर के ये क्लेम किया जा रहा है कि वो जो US का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अगेंस्ट जाता था सर। यहाँ तक तो आपका सही है कि यूक्रेन के साथ कुछ किया, बस चेक कर लीजिए कि क्या किया जी सर। जी सर, ये और इनका क्या चल रहा है, क्या स्टेज क्या है इनके इम्पीचमेंट की? सर अभी ये सीनेट में उनका इम्पीचमेंट हो चुका है। हो गया? नहीं, अभी इम्पीचमेंट जो है उसका जो है सीनेट में फाइनली यहाँ पे हो गया भैया, कल वो भी वोटिंग हो गई है तो अब वो बरी हो गए जी सर। अच्छा, ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस में थॉट थिंकर एक हुआ करते थे मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू का नाम सुना जी सर? उन्होंने एक थ्योरी प्रपाउंड की थी, क्या थ्योरी थी उनकी सबसे फेमस? सर उनका एक बुक था द स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया था कि जो भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी है, ये तीनों जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है ये सेपरेटली काम करने चाहिए। तो क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ साथ एक चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की थी जी। तो कहते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जी सर, वो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया है, ये सही बात है जी सर? इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चूंकि वहाँ का गवर्नमेंट है तो इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, खास करके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को अलग करने के लिए, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में उतना नहीं हो पाता है सर। पर जुडिशरी का
जुडिशियरी तो हम मैं मानूंगा कि सर इंडिया में भी सेपरेट है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जी बिहार से हैं जी सर। तो बिहार में ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का प्रभाव जी, बिहार वन ऑफ द स्टेट्स मानी जाती है जहाँ पे कि ये काफ़ी है जी सर। तो ये क्या है, ये ग्रुप जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, नक्सल्स कहते हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या है और इनका उद्देश्य क्या है? सर नक्सलिज्म जो कि 1960s में स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो ये प्राइमली जो CPIML था, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, तो वहाँ से आया है। तो इसमें जो है प्राइमली फिलोसफी कम्युनिज्म, वो इंडियन स्टेट के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे कम्युनिस्टिक सिस्टम लाना चाहते हैं। तो कम्युनिस्टिक सिस्टम तो लाना चाहते हैं पर एक वायलेंस से ना जी सर, उन्होंने माओ का फिलोसफी को अडॉप्ट किया है और इसमें एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ माओज़म कहना चाहिए जी, और गुरिल्ला वॉरफेयर में इन्वॉल्व जी सर। अब उनका उद्देश्य है कि सरकार को कैसे गिराया जाए जी सर, गिराया जाए वायलेंट मीन से, मतलब लड़के इलेक्शन लड़के नहीं, जैसे नेपाल में तो नक्सल जो थे उन्होंने इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से अडॉप्ट किया था, इन्होंने यहाँ पर नहीं किया। तो ये क्यों ये खींचा जा रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको हम लोग ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बताइए। सर प्राइमरली मैं मानूंगा सर इसमें अंडर डेवलपमेंट जो है वो सर एक बहुत बड़ा रीजन है, और दूसरा है जो कि जंगली इलाके हैं और ट्राइबल इलाके हैं, तो वहाँ पे लोगों में डिसकंटेंट है कहीं ना कहीं, और लोग खुश नहीं है, जो भी माइनिंग प्रोजेक्ट जाते हैं उनसे भी खुश नहीं है। तो इसका भी ये माओवादी लोग इसका फायदा उठाते हैं और लोगों को रेडिकलाइज करते हैं सर। तो बिहार गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए जिसे नेशनल लेवल पे तो हम इसमें कर ही रहे हैं, जो एक समाधान भी स्कीम आया था, तो इसमें हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं स्कीम के फंडिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी इनके हथियार हैं उनके सप्लाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ ही हम लोग डेवलपमेंट पर खास करके काफ़ी जोर दे रहे हैं ताकि जो लोगों में जो डिसकंटेंट है उसको एड्रेस किया। अच्छा, डेवलपमेंट को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जी, जिसमें उन्होंने देश के करीब 115 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना था जी। ये क्या स्कीम है सर? जैसे कि 70 साल आज़ादी के बाद भी हमारे जो कुछ जो सेक्शंस हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो बहुत ही पिछड़े रह गए हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हमने वो सारे डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है, और इसमें ये खास बात है कि हर स्टेट से कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट एक ज़रूर चुना गया है, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच कोऑर्डिनेशन हो, और साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस पे जो भी प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, इस स्कीम में एक कुछ आइडिया? जी सर मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, थैंक यू सर। आपने लिखा कि आप स्ट्रीट प्ले में पार्ट लिए हैं जी सर, पार्ट लिया था आपने, स्ट्रीट प्ले और थिएटर में क्या फर्क है? जी थिएटर का प्राइमरली जो ऑडियंस होता है वो कोई स्टेज पे प्ले किया जाता है और उसमें ऑडियंस रहते हैं नीचे, और स्ट्रीट प्ले जो होता है ये सड़कों पे करते हैं, गलियों में करते हैं, तो इसमें आम लोग जो होते हैं वो ऑडियंस होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया फर्क, और दूसरा कुछ और बताइए। दूसरा स्ट्रीट प्ले में मैम जो भी सोशल इश्यूज रहते हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर हम फोकस करते हैं। तो आपने क्या सोशल इशू दिया था? मेरा वो था डॉरी पे स्ट्रीट प्ले। आप समझते हैं डॉरी प्रथा कम हो रही है? पहले से तो मुझे लगता है कम हो रही है, लेकिन कुछ राज्य हैं जहाँ पे ये बने हुए, जैसे कि बिहार में डॉरी का सिस्टम अभी बहुत प्रिवेलेंट है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से इसको हम कम करेंगे? अभी हमारे पास तो लॉ भी है जी मैम जी, प्रिवेंशन ऑफ डॉरी, लेकिन क्यों डॉरी अभी भी क्यों नहीं हट रहा है? जी जैसा आपने कहा कि डॉरी प्रोविजन एक्ट आया था 1961 में, उसका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी आया था 2005 में, फिर भी मुझे लगता है कि मैम इसमें डॉरी को अगर हम हटाना चाहते हैं इसमें वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझते हैं हर चीज़ वुमेन एम्पावरमेंट पे हो जाएगी, आदमियों को नहीं कुछ शिक्षा देनी चाहिए इसके बारे में? आदमी है जो मानता है, औरत तो नहीं मानती है डॉरी जी। बिल्कुल मैम, इसमें जो सोशल अवेयरनेस वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और लोगों को इसके प्रति अवेयर करना चाहिए कि ये प्रथा जो है गलत है, ना केवल लीगली बट मॉरली भी ये गलत है। बिल्कुल जी। अच्छा, आप पोएट्री भी लिखते हैं? अगर आपसे कहा जाए कि ये दो पंक्तियाँ सुनाइए, आप सुना पाएंगे? जी मैम सुनाइए, सिर्फ दो पंक्तियाँ जी। आई सेट ऑन शीर्षक कोई नहीं
जी द ट्वाइलाइट ब्रिज इंग्लिश में लिखा आपने जी मैं अंग्रेजी हाँ, बताइए आई सिट ऑन पेपर्स बाय द रिवर साइड गेजिंग एट द फ्लो एट ट्वाइलाइट टाइम अब आपने रिवर का जिक्र किया तो आपकी तो कोसी रिवर बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है जी कुछ बताइए कोसी रिवर के बारे में कोसी मैडम ये नेपाल से ओरिजिनेट होती है और इसको पहले सप्त कोसी के नाम से जानते हैं तो छोटी छोटी नदियाँ मिलकर कोसी बनती हैं और ये नॉर्दर्न बिहार में कोसी को उसके बिहार का सोक के रूप में जानी जाती है क्योंकि ये जो है बार बार ये अपना कोर्स चेंज करती है तो इससे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है वहाँ वहाँ में जी क्रॉप्स नष्ट हो जाते हैं जी तो अभी तक हम लोग कुछ कर नहीं पाए कोसी को टेम करने के लिए जी हमने नेपाल के साथ पहले भी कोशिश किया है इसको वहाँ पे एक कोसी बैरेज भी बनाया है लेकिन इसमें और आगे काम किया जा सकता है अगर हम वहाँ पे नेपाल में कोई डैम बना सकें तो इस तो ये हम कैसे बना सकते हैं वो तो उनका देश जी, है वो बनाएंगे जी हम इस मामले में नेपाल से बात कर सकते हैं क्योंकि ये इशू नेपाल में भी है वहाँ के भी तराई रीजन में इसमें आते हैं और दूसरा है मैम कि हम अगर डिसल्टिंग बराबर करते रहे डिसल्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिल्ट इतना भर गया है कि कहीं कहीं जो कोसी के बैंक्स हैं वो हमेशा टूट जाते हैं जी। और उसका बेड सराउंडिंग एरिया से ऊंचा हो जाता है जी। अच्छा आपने मेडिटेशन भी लिखा है जी। मेडिटेशन कैसे करते हैं कौन सी टेक्निक यूज करते हैं जी मैं एक सुदर्शन क्रिया होता है आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया करते हैं सुदर्शन क्रिया तो मेडिटेशन नहीं है और सुदर्शन क्रिया करने के बाद कुछ उसमें टेक्निक है जिसमें कि मेडिटेशन पे चले जाते हैं अच्छा फिर मेडिटेशन तो पहले आपको करते हैं प्राणायाम टाइप और फिर आप मेडिटेशन जी मैम अच्छा अब ये बताइए आप भागलपुर से हैं जी भागलपुर में कुछ हुआ था भागलपुर ब्लाइंडिंग्स जी मैम कुछ मालूम है उसके बारे में जी ये 1978 से 80 के बीच में हुआ था आप समझते हैं कि पुलिस एक्शन जस्टिफाइड था जी ऐसा बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था मुझे लगता है कि ये बहुत ही हीनस क्राइम था और जब ये पुलिस की तरफ से हुआ था तो ये ना केवल मॉरली रॉन्ग था ये ह्यूमन राइट्स की जनता तो बहुत खुश थी उस समय की जनता जी उसमें की जनता ने सपोर्ट किया था लेकिन मुझे लगता है कि ये पुलिस का जो धर्म है उसके अगेंस्ट है और पुलिस को ऐसा एक्शन नहीं करना चाहिए पुलिस केवल जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके जो अपने लॉज हैं अपनी ड्यूटीज हैं उनको फॉलो करनी चाहिए लास्ट क्वेश्चन एक स्कीम चली है गवर्नमेंट की उड़ान जी कुछ बताइए उस स्कीम के बारे में जी उड़ान जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्कीम है इसमें जो टायर टू और टायर थ्री सिटीज हैं और उसको हम उसमें वहाँ पे एरोप्लेन की सुविधा को हम ले जाना चाहते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं तो अभी तक अब ये जो नया बजट आया उसमें कितने कहा है कि कितने न्यू रूट्स हम करेंगे उड़ान के अंतर्गत जी जहाँ तक मुझे जानकारी 300 से ज़्यादा रूट्स आइडेंटिफाई किए गए 100 अभी न्यू स्कीम में आए हैं जी आपके बिहार में कोई है उड़ान से संबंधित जी मैम जैसे दरभंगा एयरपोर्ट में काम शुरू हो गया है और 30 से ज़्यादा एयरपोर्ट ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको डेवलप किया जाएगा और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है उड़ान स्कीम की इसमें मैम एक फेयर जो है उसका फिक्स किया गया है 2500 रुपीज पर आवर और इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग का रोल है जी मैम थैंक यू जी आप मुझे बताएं जरा इस साल यूनाइटेड नेशंस के 75 साल होने वाले हैं जी सर तो यूएन चार्टर की कुछ एक दो बातें बताइए और बताइए कि इसमें वो लोग कुछ सफल रहे हैं अपने उद्देश्यों में या नहीं रहे हैं जी यूएन जिस कॉन्टेक्स्ट में आया था तो उसका प्राइमरी रोल था कि कोई और वर्ल्ड वार ना हो और देशों के बीच जो है वो शांति बना रहे तो इस मैटर में तो मैं मानूंगा कि यूएन का बहुत सक्सेस हुआ है और दूसरी बात इसमें सॉवरेंटी को रिकॉग्नाइज किया गया है और देशों की सॉवरेंटी को कभी चैलेंज नहीं किया जाता तो इस मैटर में भी मैं कहूँगा कि बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा है और इसके बाद यूएन में ये भी है कि कॉपरेशन किया जाएगा कंट्रीज के बीच डेवलपमेंट को लेकर के और इन्वायरमेंट को लेकर के तो इस मैटर में भी मैं मानूंगा कि जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो काफ़ी कंट्रीज इसके साथ काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के पेरिस डील हुआ है तो इस सब मैटर में मानूंगा कि यूएन काफ़ी सक्सेसफुल रहा तो आपका कहना है कि कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ लेकिन ऑफकोर्स उसका एक जो उद्देश्य और भी था अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे उसमें शायद उसने सफल नहीं किया जी सर लेकिन आपने कहा है कि सॉवरेंटी जो की है वो जो की है इनवायलेबल है सभी देशों की जी सर जो अभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक में एक टारगेट करके कासिम सुलेमानी ईरान को उनको मार दिया जी तो आप समझते हैं कि ये सॉवरेंटी का वायलेशन है या नहीं जी कुछ हद तक तो इसमें कहा जा सकता है कि उसका आंतरिक मामला था और उसमें जाकर के इन्होंने ज़बरदस्ती किया है
तो लेकिन यूएन इस तरह के इशूज को नहीं ले रही है, क्योंकि इसमें भी यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें भी वहाँ पे पॉलिटिक्स होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, और इसमें वेस्टर्न कंट्रीज का काफ़ी इन्फ्लुएंस बना हुआ है, तो इसके कारण भी आपका विचार है कि जो उसमें यूएन एक कहता है कि अगर आपके डिफेंस को खतरा हो जी सर तो आप इस तरह के एक्शन कर सकते हैं, तो इसका बहुत ही ब्रॉड इंटरप्रिटेशन अमेरिका लेता रहा है जी सर। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान जो की है वो जब बना 1947 में और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इस्लामिक देश बनाने का एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने पाकिस्तान में, सफल रहा या नहीं रहा? अभी तक के रिकॉर्ड से को देखने के बाद तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल सफल नहीं रहा है। कुछ बातें बताइए कि क्यों नहीं सफल रहा? पहले तो सर वहाँ पे कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई और मिलिट्री ने वहाँ के जो भी है गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करके रखा है, और अगर डेवलपमेंट के भी पर्सपेक्टिव में देखें तो उनका जीडीपी काफ़ी कम ग्रोथ हुआ है जी सर। ठीक है, और उनकी वजह से जो की है आसपास के देशों में भी काफ़ी इंस्टेबिलिटी रहती है जी सर, वहाँ पे टेररिज्म वो इस पर असर कर रहे हैं सर। एक आपने देखा होगा एक नया एक्सिस उभर के आ रहा है सर, आगे चलेगा या नहीं पता नहीं, पर रूस चीन और ईरान का जी, उन्होंने भी एक ज्वाइंट एक्सरसाइज भी साथ में की है जी सर, तो आपका तो क्या लगता है ये उनके क्या कारण है कि ये तीनों देश आपस में मिल करके एक साथ आ रहे हैं विशेष करके इसके कॉन्टेक्स्ट में? सर जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं तो अमेरिका जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं विदड्रॉ कर रहा है, खास करके मिडिल ईस्ट सब रीजन से, तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे कि चाइना है वो यूएस के हेजेमनी को चैलेंज करना चाहते हैं, रसिया भी रिसर्जेंट पावर है, तो ये सब एक चाहते हैं कि ईस्टर्न में एक ऐसा अलायंस हो जो कि यूएस और वेस्टर्न ग्रुप को चैलेंज कर सके, तो इस परिपेक्ष में मैं इसको देखूंगा। आपको लगता है कि ये कारण है कि सीरिया में जो हो रहा है या अफगानिस्तान में जो हो सकता है आगे जी सर, वो भी उसकी वजह से भी तीनों देश आपस में साथ आ रहे हैं? जी सर बिल्कुल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है ना, सब्जेक्ट आपका था जी सर ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन जी सर, तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में एक दो सवाल पूछूंगा, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्या है? जी सर, बेसिक स्ट्रक्चर जो केशव नंदा भारती जजमेंट हुआ था 1973 में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ जो पार्ट हैं वो बेसिक हैं और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, और इनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती। अमेंडिंग पावर किस आर्टिकल में है सर? प्राइमरली ये 368 आर्टिकल 368 है, इसमें अमेंडिंग पावर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के मुख्य फीचर दो तीन बताइए जिसको पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती। सर जैसे फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म है और डेमोक्रेटिक कंट्री है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, बेसिक चीज पे आप नहीं जा रहे हैं। फेडरलिज्म तो ठीक है, आपने अच्छा बताया जी सर, और सर सेकुलरिज्म तो विवादित, बड़ा विवादित विषय हो गया है सीए के बाद जी सर, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता नहीं करता। और कोई बताइए ना जो जिसमें कोई शक ही नहीं है सर, रिपब्लिक है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सर, और सर दो बड़ी चीजें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, वेरी गुड, ये तो है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स जी, ये चीजें हैं जी, बाकी चीजें तो जरा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती, ये मुख्य चीजें जिसको आप नहीं छू सकते। अच्छा आपको क्या लगता है कि फेडरलिज्म जो है हिंदुस्तान में, एक ज़माने में जब नीति आयोग बना था तो उन्होंने कहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जी, तो बड़ी चर्चा चलती थी कोऑपरेटिव फेडरल की, स्टेट का भी उतना भाग है, इतना एक अस्तित्व है जितना सेंटर का है। आज की तारीख में आपको लगता है कि वो जो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट था उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है, और फेडरलिज्म का इटसेल्फ, फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अंडर स्ट्रेस है हिंदुस्तान में, आपको लगता है क्या या नहीं लगता है? जितने इवेंट्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे आप बताइए कि आपका क्या असेसमेंट है, फेडरलिज्म इज अंडर स्ट्रेन और नॉट? सर जैसे कि फेडरलिज्म जो है एसआर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और जो करेंट जो भी इशूज आ रहे हैं जैसे सीएए है और एनआरसी है तो इसको लेकर के स्टेट ने रिजोल्यूशन पास किए हैं, तो ये एक इशू बना हुआ है।
लेकिन मुझे नहीं लगता सर इसमें कोई भी फेडरलिज्म पे कोई भी अटैक हो रहा है, तो जो भी हो रहे हैं वो अटैक नहीं है तो किस पे रहे? आप बेसिक चीज पे जा ही नहीं रहे। दे हैव चैलेंज सीए जी टोटली अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, नो वन कैन चेंज सेंट्रल लॉ जी सर। तो फेडरलिज्म के खिलाफ नहीं है ये सर? उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया है। आप सीधी बात करिए ना एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बहुत सीरियस ये एक चैलेंज है पर फेडरलिज्म के लिए। कितनी स्टेट अब चली गई जिन्होंने रिजॉल्व कर लिया है वी आर अगेंस्ट दिस सीए? हाउ मेनी स्टेट्स हैव सो फार डन इट सर? टोटल मुझे जानकारी नहीं। 6 मध्य प्रदेश इज द लेटेस्ट। यस तो 6 स्टेट इसके खिलाफ चली गई हैं। उन्होंने कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं। yes. जबकि एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यूनियन लिस्ट में अगर कोई लॉ बनता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये तो डायरेक्टली चैलेंज है सेंट्रल अथॉरिटी का, तो फेडरलिज्म को बहुत बड़ा धक्का है सर। मुझे लगता है कि कोई भी लॉ अगर किसी को भी अनजस्ट लगता है, आप फिर दोबारा सोचें इसके बारे में। जी सर बिल्कुल। आप सरकार को ना बचाएं, आप ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचें। जी सर जी सर, बहुत बड़ा धक्का है। कोई और इंस्टांस आपको मिल रही है जो धक्का जो जो लगता है कि चैलेंज हो रहा है ये फेडरलिज्म का प्रिंसिपल? जैसे जो भी गवर्नर्स हैं उनको जो है स्टेट्स उतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में ये बात है। यस सर, वो भी एक बहुत है। कौन से गवर्नर हैं जिनको कि सरकार जो स्टेट सरकार उनको बिल्कुल ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट और देयर इज़ ए वेरी बिग टसल गोइंग ऑन? कौन से वो हैं दो गवर्नर हैं सर? एक तो सर वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल, और उनको तो धनकर को तो वो पूछते ही नहीं है। yes, हैं yes, वो बेचारे ऑफिशियल फंक्शन से लौट आते हैं। yes, और दूसरा कौन है? दूसरा सर मैं श्योर नहीं हूँ, केरला में भी सर, केरला के हैं सर, क्योंकि वो जो हैं ओपनली पार्टीजन बात कर रहे हैं सी ए के फेवर में। yes, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। जी सर। yes, और कोई है कोई इंस्टांस जो फेडरलिज्म को स्ट्रेन करी हुई है इस समय? और उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट रूल जैसे भी लगाया जाता है तो उसमें भी चैलेंज होता है। सोचने की बात है, आप अखबार पढ़े तो आपको ये सारे स्पेसिफिक स्टाइल लेंगे। तो मैं गाइड कर रहा हूँ भीमा कोरेगांव की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर विवाद था। जी सर। जी सर। कौन करेगा? जी सर। तो किसको सौंप दी गई है भीमा कोरेगांव की इन्वेस्टिगेशन? सर जहाँ तक NIA को सौंप, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको रीओपन कर रही थी तो उन्होंने NIA ले लिया। तो इसके ऊपर भी एक विवाद शुरू। जी दीज आर ऑल विच आर अफेक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म इन दिस कंट्री। जी अच्छा, इज WTO अंडर स्ट्रेन? सर मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रेन में है। जैसे कैसे बताइए, स्पेसिफिक इंस्टांस बताइए। जैसे सर स्पेसिफिक इंसिडेंट बताइए या डेवलपमेंट जिसकी वजह से आप ये स्टेटमेंट कर रहे हैं। सर वहाँ का जो अपीलेट बॉडी है जिसमें कि डिस्प्यूट का सेटलमेंट के लिए वो फाइनल अथॉरिटी है, तो उसमें जो भी है उसके मेंबर्स को अब रिक्रूट नहीं किया जा रहा है। यूएस में इसके ऊपर वीटो टाइप का लगा दिया है, तो अब वहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट का कोई मैकेनिज्म रह नहीं गया। वेरी गुड, यही है बेसिक चीज। यही एक रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट है। जी रूल ऑफ लॉ। यस आप मॉडर्न एज में yes. मॉडर्न एज में yes. चाहे वेस्टर्न एज वेस्टर्न हो या इंडिया हो yes. मॉडर्न एज में ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं विच हैव अफर्म्ड द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ? अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस के, विच हैव रिपीटेडली देयर आर 2-3 मेजर इवेंट्स विच हैव रिपीटेडली अफर्म्ड द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ इन मॉडर्न एज विच वॉज द वेरी फर्स्ट इन द मॉडर्न एज? सर मुझे अभी रिकॉल नहीं। मैग्ना कार्टा का सुना है कभी नाम आपने? 1215 का मैग्ना कार्टा? जी सर मैंने सुना है, मैं कोई जानकारी नहीं। फिर दूसरा कोई और, अमेरिकन रिवॉल्यूशन का सुना है उनका डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स? जी सर मैंने सुना। और फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? जी सर। ये बड़े इवेंट्स हैं जिन्होंने हु हैव कंट्रोल्ड द पावर ऑफ द मोनार्की और द एब्सोल्यूटिज्म। जी सर। जी सर। फेडरलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में है और क्या यूएसए में है, बहुत संक्षेप में बताइए क्या डिस्टिंक्शन है? सर भारत में जो फेडरलिज्म है ये यूनिटरी फॉर्म में ज़्यादा है, तो इसमें स्टेट्स को कम पावर है
और सेंट्रल को ज़्यादा पावर है। और यूएसए में जो है एक ट्रू सेंस में फेडरेशन है, वहाँ की जो स्टेट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आए हैं और वो वहाँ से सेपरेट भी हो सकते हैं, भारत में ऐसा नहीं हो सकता। एक डेमोक्रेसी जो है इसमें इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का और यूके का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डिस्टिंक्शन है, मेजर डिस्टिंक्शन एक बता दीजिए। दोनों डेमोक्रेसीज हैं? यस सर। अब बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में? सर यूके यूनिटरी फॉर्म है और इंडिया फेडरल फॉर्म। वेरी गुड, एक तो ये है, और कोई बताए? बहुत अच्छा बताया आपने, वो मॉनार्की है, हम रिपब्लिक है और वहां पे है? सही है, वो मॉनार्की है। जी बिल्कुल। एक और है इससे भी ज्यादा महत्व का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जी बताइए। यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी है और वहाँ पे पार्लियामेंट्री। वेरी गुड, एक्सेलेंट, यू हैव डन इट वेरी नाइसली। सो वी क्लोज द इंटरव्यू नाउ, आई विल गिव यू अ लिटिल फीडबैक। आपने बहुत अच्छा किया है, काफ़ी आपका अच्छा परफॉर्मेंस रही है और हम आपको ये एक गाइड करना चाहेंगे, हमारी जो क्वेश्चनिंग रही है वो आपके डेफ के ऊपर बेस रही है, बिहार के ऊपर सवाल पूछे गए हैं, सेरेमिक है और चीज़ें हैं, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस करंट अफेयर्स, इन्हीं के ऊपर ही तवज्जो आती है। कुछ महत्व के सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर आपको काफ़ी ध्यान देना होगा, जैसे इम्पॉर्टेंट बायलेटरल इश्यूज विद कंट्रीज, जैसे ट्रंप साहब आ रहे हैं यहाँ पर, क्या डिसीजन है, या अभी जो वेस्ट एशिया में क्या हुआ है ना, जो ट्रंप की जो प्लान थी इस किस्म के, दूसरा हिंदुस्तान की इकॉनमी, बजट, इन सब पे पढ़ना आपको। आप सिस्टमेटिकली अगर पढ़ते रहें 7-8 घंटे रोज, सब्जेक्ट बना लीजिए, इकॉनमी और बजट पे हम 1 घंटा देंगे, फॉरेन अफेयर्स पे इतना देंगे, पॉलिटिकल साइंस के इश्यूज पे इतना देंगे वगैरह वगैरह, करंट अफेयर्स हम कम से कम 1-1.5 घंटा अखबार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कटिंग निकाल के उसको रखिए और कई बार पढ़िए, इससे आपका बहुत नॉलेज बढ़ेगी। जितनी नॉलेज आपकी अच्छी होगी फैक्ट्स और उसका आप विश्लेषण करेंगे उतना ही अच्छा आपका जवाब है। जैसे फेडरलिज्म पे वो देखते जाइए क्या डेवलपमेंट हो रहा है, फेडरलिज्म बहुत ही अंडर डीप प्रेशर, डीप स्ट्रेन, उसको मिनिमाइज ना करें आप। ओपनली स्टेट्स आर डिफाइंग द सेंटर, आर दे नॉट? यस। ये अभी भी आप कन्विंस नहीं, सोचिए, विश्लेषण करिए और जी सोच के फिर अपने बनाइए जी। ओपन, आप चलें। एक चीज़ का सवाल देखिए, जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा था ना, आप बराबर उधर भी देख रहे थे उधर भी देख रहे थे, ये मत करिएगा है ना, आप अपना यू, मैं आप बोल रहे हैं मेरे से पर देख रहे उधर, कर रहे थे कि नहीं? यस सर। ये मत कर रहे, जिससे कर जो तो है वो जो सवाल पूछ रहा है ये और नहीं कर रहा है। सर कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब जो क्वेश्चन उन्हीं से बात करते हैं तो बाकी मेंबर डिसएंगेज लगते हैं। बाकी मेंबर आपको असेस कर रहे हैं। ओके सर। क्वाइटली दे आर असेसिंग यू, क्योंकि यूपीएससी में हर एक मेंबर अलग देता है असेसमेंट। ओके सर। तो आप उसकी फिक्र ना करें, आप अपना आप जो आपकी आंसर है जी, जी। अपना कॉन्सेंट्रेशन वो खो रहे हैं आप इधर उधर देख के। ओके सर। है ना, ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, नहीं वो सब दूसरे इंस्टीट्यूशन यही बताते हैं, सबको प्लीज करो, इन प्लीजिंग एवरीवन यू विल प्लीज नोबडी। सर ओके, बेस्ट, थैंक यू, चलो, थैंक यू सर, चलो, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।